आप सभी को पता है कुछ इंडिविजुअल्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है, उनका नाम जैसे नारी शक्ति टीम ने, सोल डोडुम, ताना तमर, तोपोल साहब की टीम ने ये 72 आवर्स का जो बंद कॉल दिया है 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक सुबह 5 बजे से जो शुरू हो जाएगी, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको ब्रीफ करने के लिए बुलाया है। IG लॉ एंड ऑर्डर आपा साहब भी यहाँ पे हैं, ही विल ऑल्सो ब्रीफ यू लेटर ऑन रिगार्डिंग क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या हमारी तरफ से अपील है पॉपुलेशन को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बंद कॉल, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है हमारा, उन्होंने 1997 की एक जजमेंट में बंद को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल पहले घोषित कर रखा है। सब्सिक्वेंटली हमारे DC साहब ने भी 144 सेक्शन CRPC सेक्शन 144 CRPC में एक ऑर्डर प्रोमिलगेट कर दिया है, जिससे ये प्रूव हो गया है कि अब ये बंद कॉल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी के तहत चलते हुए हमने कुछ एक्शंस लिए, DC साहब ने अपुआपा भी प्रोमुलगेट किया है और अपुआपा के ऑर्डर्स में हमें डिटेंशन की पावर्स आती हैं उनके ऑर्डर के थ्रू, कि कुछ इंडिविजुअल्स जो पब्लिक पीस, पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंकलिटी को हर्ट करने की, हार्म करने की कोशिश करे तो उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। इसी के तहत सोल डोडुम, ताना तमर तारा, तो पॉल, नवम संजय, योवा बॉस्को, वरेल राभा, योवा तोपू, काकू यारदा, लिचा तलांग, जिदम रियामुक, ग्यामर तायु, प्रेम दादा, फसांग केचक और दांगी पाबिन, ये 14 इंडिविजुअल्स हैं जिनके अगेंस्ट अपुआपा में एक्शन लिए गए हैं और कुछ के खिलाफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और असॉल्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट के सेक्शंस के तहत भी एक्शन लिया गया है। कुछ लोग वेरियस मीडियम से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फिजिकल आउटरीच हो, उनसे लोगों को बंद में आने के लिए इंसाइट कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए इंसाइट कर रहे हैं, और इसी के तहत कुछ लोग आज सुबह नाहरलगन PS में भी आए और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज की और पब्लिक सर्वेंट को भी हर्ट किया, उसके रिगार्डिंग हमने ये सब एक्शंस लिए हैं। हमने ये भी देखा है पिछले कुछ घंटों में कि इस सब बंद कॉल का फ़ायदा उठाते हुए कुछ एंटी सोशल अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि गेटीज लेके, कैटेपुल्ट्स लेके या हॉकी स्टिक्स लेके और इसी तरीके के आर्म्स लेके इस बंद में आए, और जिनका इस बंद से या जो भी डिमांड्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट आके सिर्फ यहाँ का जो भी पीसफुल एटमोसफेयर है उसको ख़राब करें, हमने ये भी देखा गया है। तो उनके अगेंस्ट भी हम एक्शन ले रहे हैं और पब्लिक को भी यही अपील है कि उनका जो भी एजेंडा है, जेनुइन या नॉन जेनुइन जो भी एजेंडा है, वो उसको हाईजैक ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी वो लोग सावधान रहें। इनको, इनके खिलाफ लीगल एक्शन, जो भी मैंने 14 इंडिविजुअल्स बताए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेके हमने इन्हें स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया है एज़ पर ऑर्डर्स, और वो वहीं पर ही डिटेन रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट लीगल कार्रवाई नहीं होती है। आगे भी इस बंद के दौरान भी इसी तरीके के टोटली लीगल इन्फोर्समेंट एक्शंस हम लोग फोर्सी कर रहे हैं, इसीलिए जो भी अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स है उनसे सबसे पहले ये अपील मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सामने आएंगे और इस तरीके की आप एक्शंस लेंगे तो पुलिस एक्शन लीगल जस्टिफाइड और एट द स्पॉट होने वाला है आपके अगेंस्ट। रेस्ट एस्पिरेंट्स और पब्लिक और उनके पेरेंट्स के अपील के लिए मैं चाहूँगा रिस्पेक्टेड IG लॉ एंड ऑर्डर आपा सर कि आप सर प्लीज़ मीडिया के द्वारा उन लोगों को प्लीज़ अपना मैसेज पहुँचाएँ। थैंक यू रोहित। एज माई कलीग हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू, दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बंद कॉलर है और जो बंद कॉल को एनफोर्स करने के लिए जो सोच रहे हैं, इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर इनका हम पीछा करेंगे और अरेस्ट करेंगे, फिर केस बनाएंगे, पर्चा डालेंगे।
डन, तो बाद में फिर मैं ये कंसिक्वेंसेस इज फार रीचिंग, उसका लाइफ में जॉब मिलने को तकलीफ हो सकता है, और कोई काम आजकल तो कोई कांटेक्ट करने के लिए भी अब पुलिस क्लियरेंस चाहिए होता है। सो देयर फॉर प्लीज डू नॉट वायलेट द डीएम्स ऑर्डर। जब 144 डिक्लेयर कर दिया है, प्लीज मेंटेन दैट एंड रिस्पेक्ट दैट, और रास्ता में नहीं आए। अगर रास्ता में आ गया तो फिर हम इधर बैठा है, जो भी उचित कार्रवाई करना है हमारे तरफ से, उचित पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई करेंगे, और जिसको जिसको केस रजिस्टर करना है, जहाँ जहाँ मिलेगा, जिसको वायलेट करते हुए पाता है उसको केस रजिस्टर करेंगे। और हमने अभी देखा है, सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करके देखता है, पीपल आर अपीलिंग टू अपीलिंग द पीपल अनादर, मतलब लोगों को अपील किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि आओ और पार्टिसिपेट करो और क्रिएट प्रॉब्लम, इस तरीके से अपील किया जा रहा है, विच इज़ बैड। और मैं काउंटर अपील करता हूँ, डोंट फॉलो, डोंट लिसन टू दिस अपील, एंड माई अपील इज स्टे इन इंडोर्स, अपना घर में बैठे, इस आपके लिए ये सही होगा, अच्छा होगा। अगर आप इसके बावजूद, हमारा कहने के बावजूद, डीएम के ऑर्डर के बावजूद, अगर आप रास्ता पे आ गए तो हम फिर कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, विल टेक अप्रोप्रिएट बिफिटिंग एंड डेफिनेट डेफिनेट एंड डिसाइसिव एक्शन। और हमने ये देखा है, एज माय एसपी हैड सेड, गिटिस कैटापुल्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं, पत्थर कलेक्ट किए जा रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस गेम, आई से बहुत ही खतरनाक सोच है, गलत सोच है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, किसके ऊपर इस्तेमाल करेगा, पुलिस के ऊपर, तो पुलिस इज़ नॉट गोइंग टू सिट जस्ट हाथ पे हाथ बांध कर रहने वाला नहीं है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू रिएक्ट। सो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, प्लीज डोंट डू दिस। लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये देखा है, दोज पीपल वर आर्म्ड विथ रॉड्स, आयरन रॉड्स, घीटी, कैटापोल्ट, एंड दे वर अटैकिंग अस विथ आयरन रॉड एंड कैटाफॉल्ट, एंड हमने बहुत रेस्ट्रेन किया, वी द पुलिस वे वी रेस्ट्रेन, हमने बहुत ये किया, टॉलरेट किया, बट हर बार एक जैसा नहीं हो सकता है, ये मैसेज मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। सो फाइनली माई अपील इज अगेन टू द पीपल, प्लीज मेंटेन पीस, डू नॉट कम ऑन द रोड, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द स्टेट। आप आए, आएगा रास्ते में, आएगा कुछ होगा, फिर गाड़ी चलाते हो, तोड़फोड़ करते हो, ये किसका प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है, अपना आपका प्रॉपर्टी को मतलब डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सो प्लीज डू डू दिस, एंड देयर कुड बी अनदर वे ऑफ रिजॉल्विंग द सिचुएशन, रिजॉल्विंग द इश्यूज, प्लीज हैव अ लुक एट अल्टरनेटिव वे ऑफ रिजॉल्विंग द सिचुएशंस, इश्यूज, आपके इश्यूज होंगे, जेन्यून इश्यूज होंगे, बट बंद कॉल करके इशू को रिजॉल्व करने का ये तरीका ठीक नहीं है, और हम मजबूर होगा पुलिस एक्शन लेने में। थैंक यू। एनीथिंग, एनी सर, क्वेश्चन? सोशल मीडिया पर इस तरह से घूम रहा है कि अभी हमेशा बंद कॉल जब भी होता है हमेशा नेट शटडाउन किया जाता है, तो कल उसका क्या है सर एजेंडा? नेट नेट विल बी शट डाउन, विल टेक अ कॉल ऑन दैट, नेट विल बी शट डाउन इन सम टाइम, विल टेक अ कॉल ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। सर हम लोगों ने काफी रिपोर्ट देखा है सर, कुछ कुछ ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला है कि पुलिस को कि पिछली बार की तरफ जैसे इंसिडेंट या फिर अभी जो मणिपुर में हुआ है कुछ इंसिडेंट का कुछ संभावना है, कि कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है, क्योंकि हमें काफी फोर्स कैपिटलिज्म में देखा। आपका नाम? सर जैक्सन सर।
क्या कौन सा चैनल का है? अच्छा, आपने आप यू योर सेल्फ हैव बीन सीइंग इन द मीडिया कि ये करेंगे वो करेंगे, सारी वॉइस रिकॉर्ड वॉइस मेल सर्कुलेट हो रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग टू कन्फ्रंट द एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट द पुलिस, मतलब तोड़ फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, प्रिपेयर होके आ जाओ, इस तरीके से बातें चल रहा है। इफ़ यू टेक दैट बाय फेस वैल्यू वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ्स। और ये इसलिए कि नहीं है कि जो हम पीटेंगे मारेंगे गोली चलाएंगे, ये नहीं, वी वॉन्ट टू एंश्योर पीस, एंश्योर पीस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मैन पीपल, इसके लिए हम पुलिस तैनात कर रहे हैं। जनरल पब्लिक थोड़ा कंफ्यूज है सर, कल डे टाइम को क्या होगा सर, मतलब दुकान वगैरह खोल पाएगा या नहीं खोल पाएगा? दुकान खोलना और ये करना दैट इज देयर कॉल, हम ये नहीं कह सकते कि आप दुकान खोलो या बंद करो, ये नहीं कह सकते, लेकिन हम रास्ता पे पीस सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम बैठा है। सर एवरी टाइम वो एश्योरेंस तो देता ही है पीस एंड सेफ्टी का, मगर तोड़फोड़ हो जाने के बाद भी कुछ कल देखते हैं, कल देखते हैं। सर फिलहाल तो अभी बंद तो शुरू भी नहीं हुआ, काफी सारा लोग अरेस्ट किया, तो उसके रीजन काफी सारा लोग पूछ रहे हैं, तो क्यों किया है? इसका रीजन है, हमारा रीजन है कि आप वी कैनॉट अलो एवरीबडी पीपल टू इंस्टिगेट एनकरेज पीपल टू रिजोर्ट टू वायलेंस, हम ये एनकरेज नहीं कर सकते, बट नो वी कैनॉट अलाउ दिस, देयरफॉर देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव अरेस्ट। तो सर फिलहाल जैसे तापोर हो गया, जैसे कि सोलदोदम हो गया, वो लोग ने कुछ ऐसे कड़क वर्ड यूज किया जो कि अभी आप लोग को अरेस्ट करना पड़ रहा है? यस, दे आर एनकरेजिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन द बंद कॉल, बंद कॉल इज डिक्लेयर्ड इलीगल। सर अभी आगे क्या करेगा जो जितने लोग को डिटेन किया, स्पेशली जो सोलदोदम को लोग, जिसके लिए लोग काफी गर्म सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी आप लोग कब तक? लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, वी आर आई कैन नॉट यूज माई डिस्क्रिप्शन, हमारे हम पुलिस कोई डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकता है, प्रोविजन्स है अपू अपा में, प्रोविजन्स है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, लॉ में प्रोसीडिंग्स है, सो अकॉर्डिंगली एज पर द लॉ विल टेक। कितने फोर्सेस आए हैं सर अभी यहां पर? आई कैन नॉट टेल यू दैट। और सर और एक बात, ये 144 आप लोगों ने लगाया, तो कहीं ना कहीं से बंद कॉल तो सक्सेस ही हो रहा है सर इनडायरेक्टली, तो 144 बिना लगाने के बजाय आप लोग सिक्योरिटी दे सकते थे, जो those who are उन लोग जो चाहते हैं दुकान खोलना, जो अपना धंधा चलाना चाहते हैं, उन लोगों का सिक्योरिटी आप लोग उसको आप लोग बोल सकते थे सिक्योरिटी के लिए। ये 144 लगाया है और इसका मतलब बंद कॉल को इन्फोर्स कर रहे हैं, मैम ये कोरिलेशन कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कभी भी नहीं कहा है कि जो जेन्युइन शॉपकीपर्स हैं या जेन्युइन गोअर्स हैं उनको आने में रोक टोक है, बिल्कुल नहीं हमने कहा है। जो हमारा 144 या डीसी साहब का भी जो आइडिया वो लगाने का, दैट इज़ ओनली फॉर अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स। अब आप आए हैं, आपसे पूछताछ होगी, और अगर आप हमें लगेंगे कि एंटी सोशल हैं या आप कुछ आर्म्स कैरी कर रहे हैं या आप कुछ इस इंटेंट के साथ आ रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोई भी जेन्युइन अगर इंसान आता है और अपनी दुकान खोलना चाहता है या दुकान पर जाना चाहता है, हम उसको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। सर हमेशा की तरह ये इंटरनेट जो है शटडाउन होता है, तो डू यू थिंक दिस इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द फॉर द बंद कॉल? दिस माइट नॉट बी अ सॉल्यूशन सर, इंस्टेड ऑफ दैट वी फील दैट कि इंटरनेट इज नॉट अल्टीमेट सॉल्यूशन, इज नॉट अ टोटल सॉल्यूशन, इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी हैव टू रिजॉर्ट टू, इवन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टू रिजॉर्ट टू दैट। सर आल्सो लाइक बिटवीन दिस थ्री डेज में जब लाइक सिचुएशन बहुत गर्म हो सकते हैं, इन केस स्पेशली आप लोग पुलिसकर्मी एंड पब्लिक फेस करेंगे, तो इनोसेंट लोगों को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवारी किसको लेगा, क्योंकि लास्ट में जो भी बोलो कुछ ना कुछ हो जाए। हु इज द इनोसेंट? इनोसेंट किस कोई कोई इनोसेंट को लिसन, कोई इनोसेंट को हम कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है? वी आर नॉट ब्लाइंड, जो इनोसेंट है उसका ऊपर क्यों एक्शन लेगा? नो फिलहाल तो बंद कॉल तो काफी पीसफुल वे से करेगा, और कैसे मैंने सुना था तो फिलहाल आप लोग का तरफ से अभी काफी सारा बोलो को हॉट इशू बना रहा है, तो कहने भी मुझे लगता है तो शायद ऐसे काफी हो रहा है, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट को अभी डिटेन किया गया है, काफी सारा लोग होते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग काफी पब्लिक लोग उसको लेकर काफी गुस्से में है। तो मैम मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि वो पीसफुल करना चाह रहे हैं, वो एक व्यू है, कुछ लोग उससे अग्री करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन
आप शायद वो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया पे जो वो लोग बोल रहे हैं उनको शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसमें वो आके पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने के लिए या पुलिस के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए या किसी भी हद तक जाने के लिए कि कैसे भी बंद कॉल को भारी मात्रा में और बंद कॉल को एनफोर्स करो, ये वाली जो बातें वो कह रहे हैं, शायद मैम आप उनको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो मैम दोनों के बीच में बैलेंस करना है। अगर वो लोग आएंगे आराम से और अपनी डिमांड्स कहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए बंद इन्फोर्स कराने की कोई जरूरत नहीं है मैम। दैट इज वॉट आर व्यू इज। एक सवाल रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी बोर्ड एग्जाम भी चलने वाला है, तो उन लोगों को किस तरह का सिक्योरिटी मिल सकता है आपकी तरफ से? जो हाँ बोर्ड एग्जाम्स, उसके अलावा कई सारे ऐसे और भी एग्जाम्स हैं और गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके लिए उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो हम उनको अपना आर्म्ड स्क्वाड प्रोवाइड करेंगे। सर, आपको नहीं लगता है कि आप लोग ये अरेस्ट करके ये मोमेंटम, ये मूवमेंट और मोमेंटम देते? हमें ये लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वी ऑल्सो हैव टू टेक अ कॉल कि किसको प्रिवेंटिव अरेस्ट में डालना है किसको नहीं डालना है, क्योंकि अगर उनको हम नहीं करते हैं तो क्या वो डैमेज कर सकते हैं पब्लिक पीस को, वो एक कॉल है, या अगर हम अभी उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो पब्लिक के क्या पे क्या इम्पैक्ट होगा। वी हैव टू टेक दैट कॉल एंड इन आर ओन सेंस वी हैव टेकन दैट कॉल। सर, फिलहाल तो अंशु अंशु लोग काफी सारे बंद कॉल करते हैं, लेकिन आजकल जैसे दिखाई नहीं दिया है, तो उन लोगों को क्यों नहीं किया जा सकता? तो मैडम मे बी बिकॉज इट्स अ चेंज दैट इज कमिंग इन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पुलिस ऑल्सो दैट अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ शुड शुड प्रिवेल। और अगर इस बार मैम हम ये चीज़ कर रहे हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे और पब्लिक एट लार्ज भी साथ देगी, तो वी आर मेन इंटेंट इज टू गेट रिड ऑफ दिस बंद कल्चर। जो भी आप चाहते हैं आप आके बात कीजिए, जिनसे बात करना है वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, और इसमें हम ये चीज़ कर रहे हैं। आगे भी हमारा ये अटेम्प्ट रहेगा, हम इसी तरीके से नेक्स्ट बंद कॉल्स को भी डील करें।